Hello student, today our topic is factors affecting of rate on photosynthesis. Rate of photosynthesis उसको कहते हैं बेटा जिस पर मतलब वह symptoms या वह characteristic जो photosynthetic process को जो photosynthetic process है अब उसमें क्या बन रहा है food produce हो रहा है तो वो food production पर वो जो limiting factors होते हैं या environmental factors होते हैं उनका जो effect पड़ता है जिसके कारण से या तो वो photosynthetic rate या food production बहुत ज़्यादा होगा या तो कम होगा या तो बंद हो जाएगा तो वो factors जो उस rate को उस photosynthesis process को effect करते हैं वो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट इसके लिए हमें दो कैरेक्टरिस्टिक या यूँ कहें कि दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो पढ़ने पड़ेंगे समझने पड़ेंगे उसमें से फर्स्ट है कार्डिनल पॉइंट्स. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स. तो कार्डिनल पॉइंट्स जो है वो थ्री कैटेगरीज में होता है मिनिमम ऑप्टिमम मैक्सिमम. ठीक इसे डिस्कवर्ड किया गया था सेक्स के द्वारा. किसके द्वारा सेक्स के द्वारा. मिनिमम का मीनिंग मतलब वो होता है कि वह कैरेक्टरिस्टिक या वह सिम्टम जिसके कारण से जो फोटोसिंथेटिक रेट है या कोई भी प्रोसेस वाली जो रेट है रेट ऑफ प्रोसेस या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाए या तो उस मिनिमम जिस पे कि वो स्टॉप हो जाए क्या हो जाए बंद हो जाए तो उसको कहेंगे मिनिमम. ऑप्टिमम वो सिचुएशन है जिस पर फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो इंक्रीज. क्या हो इंक्रीज फोटोसिंथेटिक रेट जिस ऑप्टिमम. अब एग्जांपल के लिए यहां पर मैं अगर टेम्परेचर का ले लूं है ना टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो जाए स्टॉप या उसकी स्पीड क्या हो जाए फोटोसिंथेटिक रेट का जो वो है फ्रीक्वेंसी है या अमाउंट है वो क्या हो जाए कम तो उसको कहेंगे हम मिनिमम. ऑप्टिमम वो जिस पर फोटोसिंथेटिक रेट जो है या वह टेम्परेचर जिस पर फोटोसिंथेटिक रेट क्या है बहुत ज़्यादा है इंक्रीज है. ठीक तो उसको क्या कहेंगे हम ऑप्टिमम. मैक्सिमम अब मैक्सिमम यदि टेम्परेचर होगा तो क्या होगा मैक्सिमम टेम्परेचर होने की वजह से जो एंजाइम फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या हो जाते हैं डीनेचर्ड हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं डीनेचर्ड हो जाते हैं डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो उस कारण से भी क्या होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाएगी क्या नहीं फोटोसिंथेटिक क्या हो जाएगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद हो जाएगी. तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा मैक्सिमम टेम्परेचर होने पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ही जो है वो मीनिंगफुल टेम्परेचर रहेगा जिस पर फोटोसिंथेटिक रेट क्या रहेगी इंक्रीज. तो ये इस सिचुएशन को बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स. ठीक है थ्री कैटेगरीज हैं मिनिमम ऑप्टिमम मैक्सिमम. यहाँ मैंने टेम्परेचर का एग्जाम्पल लेकर के समझाया है ऐसे अदर कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं. अब इसके लिए हमें सेकेंड जो पॉइंट मस्ट इम्पॉर्टेंट समझना है वो है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. ये जो ब्लैकमैन है ये एक साइंटिस्ट का नाम है. इन्होंने एक लिमिटिंग फैक्टर का लॉ दिया है. उन्होंने कहा है कि जिस भी रिएक्शन में जो इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व होते हैं या यूँ कह लें कि जो भी रिएक्टेंट जो इन्वॉल्व होते हैं उनमें सबसे जो लोवेस्ट अमाउंट में होता है वो रिएक्टेंट ही उस रिएक्शन के रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. यहाँ आप यूँ समझिए फैक्टर्स विच इज़ द लीस्ट वो फैक्टर जो लीस्ट अमाउंट में या मिनिमम अमाउंट में बहुत कम अमाउंट में है कैन डिसाइडेड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर वो लिस्ट अमाउंट वाला या मिनिमम फैक्टर कम है तो हो सकता है फोटोसिंथेटिक रेट क्या होगी कम. यदि ज़्यादा है तो फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा हो सकती. दैट मीन्स कि वो जो लिस्ट अमाउंट वाला या मिनिमम अमाउंट वाला जो फैक्टर है दे विल डिसाइड कि फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. तो एग्जाम्पल के लिए जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए फोर इंग्रेडिएंट बहुत या यूँ कहें कि सब्सटेंस या कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं. फर्स्ट लाइट विदाउट सनलाइट पॉसिबल नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल एंड वाटर.
दिस फोर कैरेक्टरिस्टिक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 10 यूनिट लाइट्स की है, 10 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड की, 10 यूनिट क्लोरोफिल की है, 10 यूनिट वाटर की है, तो फोटोसिंथेटिक रेट क्या होगा? इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज। एक जैसे स्पीड से जो है वो फोटोसिंथेसिस होते रहेगा, लेकिन यदि यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके यूनिट 10 ना होकर के यदि क्या हो 2 हो, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये लिस्ट अमाउंट हो गया, लिस्ट या मिनिमम अमाउंट हो गया। अब मान लीजिए कि किसी प्लांट को लाइट भी बहुत सफिशियंट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड सफिशियंट है, क्लोरोफिल सफिशियंट है, लेकिन वाटर जो है वो क्या हो गया? कम है, वहाँ पर लिमिटेड है। तो फिर फोटोसिंथेटिक रेट का जो स्पीड है या अमाउंट है वो क्या करेगा? इस लिमिटिंग फैक्टर, इस जो लिस्ट अमाउंट फैक्टर है, इसके कारण से उसकी जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो इंक्रीज ना होकर के क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये जो लिस्ट अमाउंट फैक्टर है या मिनिमम अमाउंट फैक्टर है, दे विल डिसाइड कि फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो इंक्रीज रहेगी या डिक्रीज। यही रूल जो है किसने दिया था? ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने। अब वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो इस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं? इफेक्ट कर रहे हैं। तो जनरली फोटोसिंथेसिस को टू टाइप ऑफ फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्सटर्नल फैक्टर, सेकंड है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल जो कि प्लांट के बाहर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो उसको क्या करते हैं, उस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे आ जाएंगे लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन। दिस फाइव कैरेक्टरिस्टिक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट। लाइट की तीन कैटेगरीज हैं जो उसको इफेक्ट करती हैं, क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी? तो पहले हम क्वालिटी को समझेंगे कि भाई कौन सी लाइट क्वालिटी होती है जिस पर फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 400 नैनोमीटर वेवलेंथ से लेकर 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस रेट के लिए या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या होती है? जरूरी होती है। इस पर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, जो मतलब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो आसानी से हो पाती है। सेकंड, इन इंफ्रारेड या ऑब्लिक अल्ट्रावायलेट लाइट फोटोसिंथेसिस नॉट टेक प्लेस। मतलब इन दोनों लाइट में, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। ब्लू एंड रेड लाइट हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ फोटोसिंथेसिस रेट को मैंने PS, P.S से लिखा है, आप उससे समझ जाइएगा। ब्लू एंड रेड लाइट मतलब कि जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो कौन सा कलर है? वो है ब्लू और रेड लाइट, जो क्लोरोफिल द्वारा क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है। तो वो कौन से दो कलर है? ब्लू एंड रेड लाइट पर फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो क्या होता है? हाई होता है। फोटोसिंथेटिक रेट क्या होगा इस पर? हाई। ठीक है, तो लाइट की क्वालिटी कैसे इफेक्ट करती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट पर फोटोसिंथेसिस होती है। इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट लाइट पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ब्लू एंड रेड लाइट में फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो हाई होता है। सेकंड इसकी पॉइंट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में दो कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिखे हैं, सीजियोफाइट्स एंड हेलियोफाइट्स, या हेलियोफाइट्स को हम फोटोफाइट्स भी बोलते हैं। इस कैटेगरी में बेटा वो प्लांट्स आते हैं जिन्हें जो कि शेडी हैबिट में रहते हैं। शेडी हैबिट मतलब कि जो बड़े जो छायादार प्लांट्स होते हैं उनकी छाया में, उनके शेड में जो ग्रो करते हैं। इस तरह के प्लांट जिनको कि लाइट की ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट की जिनको ज़रूरत नहीं होती, ऐसे प्लांट्स जो कि शेडी एरियाज में ग्रो करते हैं उन्हें बोलते हैं सीजियोफाइट्स। और ऐसे जिन्हें हाई इंटेंसिटी वाली लाइट की ज़रूरत होती है तभी उसमें फोटोसिंथेसिस हो पाती है। ऐसे प्लांट जिनमें हाई इंटेंसिटी वाली लाइट के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस हो पाती है, ऐसे प्लांट को बोलते हैं हेलियोफाइट्स या फोटोफाइट्स। अब ड्यूरेशन, लाइट की क्वालिटी ठीक है, इंटेंसिटी ठीक है, लेकिन यदि ड्यूरेशन नहीं है
मतलब जिस ड्यूरेशन में जितने टाइमिंग के लिए उस प्लांट को उस लाइट की रिक्वायरमेंट उतने टाइमिंग तक यदि लाइट ना गिरेगी या प्लांट को नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेटिक रेट तो जो भी प्रभावित होगा. कैसे, मतलब इसके लिए कितना ड्यूरेशन चाहिए, कम से कम 10 से लेकर 12 घंटे का समय चाहिए. 10 to 12 hours ड्यूरेशन लाइट का जरूरी होता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए. नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है क्या है, टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है लगभग 10 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस जिस पर फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. अगर इससे बिलो हो, कम हो या ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो इफेक्ट होगा. एक ये टेम्परेचर जो एक ह्यूज वेरिएशन फैक्टर है. दैट मीन्स कि यदि मैं दो ऐसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताऊँगी, जैसे कि एक यहाँ पर देखेंगे आप -35 डिग्री सेंटीग्रेड कोनीफर्स प्लांट. कोनीफर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, -35. देन उसी का जस्ट अपोजिट 75 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट वाटर एल्गी के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है. मतलब इट इज़ अ वेरी ह्यूज वेरिएशन, बहुत बड़ा वेरिएशन है. यहाँ पर आपको कितना लग रहा है, -35 डिग्री और यहाँ पर 75. तो बेटा टेम्परेचर समझने के लिए एक सिचुएशन आती है जिसे हमें समझना पड़ेगा. इसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट. क्या बोलते हैं, सैचुरेशन स्टेट. इसको इस तरह से समझेंगे कि मान लीजिए कि कोई प्लांट है ना, इसको यहाँ पर लाइट भी सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल है, ठीक है, क्लोरोफिल इसमें सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट है, देन कार्बन डाइऑक्साइड भी इसे इन्वायरमेंट से इजीली मिल पा रही है, तो और वाटर भी जो है वो इसे आसानी से मिल रहा है. अब जब ये फोर जो इंग्रेडिएंट्स इसे मिल रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक रेट क्या होगा, फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा. लेकिन यदि कोई लिमिटिंग फैक्टर यहाँ आ गया, जैसा कि मैंने ब्लैकमैन लॉज में बताया आपको, एक्सप्लेन किया, कोई लिमिटिंग फैक्टर आ गया कि सडनली ये टेम्परेचर होने से या इन्वायरमेंटल कोई प्रोसेस घटना घटने से वहाँ पर, मान लीजिए कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट प्लांट को मिलना कम हो गया है या किसी कारणवश जो है वो पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट. मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो सही, पर जितनी स्पीड से यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा था वो इंक्रीमेंट अब यहाँ ना होकर के क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट. क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉन्स्टेंट. तो ये जो फोटोसिंथेटिक रेट यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट हुआ है, इस सिचुएशन को बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट. क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेशन स्टेट. जैसे इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बाय द लिमिटिंग फैक्टर्स, लिमिटिंग फैक्टर्स के कारण फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो यदि क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट, तो दिस सिचुएशन आर कॉल्ड सैचुरेशन स्टेट. ऐसे ही टेम्परेचर में यदि हो, टेम्परेचर में भी यही होता है बेटा कि 10 to 35 है और उस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है या सफिशियंट है तो ठीक है. यदि मान लीजिए कि कोई प्लांट है, मान लीजिए C3 प्लांट है, आप C3 प्लांट के बारे में इजीली जानते हैं, उसके लिए कितना चाहिए, 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. अब यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर हम उसे अवेलेबल कराएंगे तो क्या होगा, वहाँ उस प्लांट में पाए जाने वाले एंजाइम्स जो कि इस फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड. क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड. डीनेचर हो जाएंगे, दैट मीन्स कि क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे और उस सिचुएशन में भी फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, बंद, स्टॉप हो जाएगी. तो ये टेम्परेचर आपको समझ में आया. नेक्स्ट जो फैक्टर है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड स्वाभाविक है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से. अब यदि इन्वायरमेंटल जो एरिया है या क्लाइमेट है जिस जगह का, वहाँ पर यदि CO2 सफिशियंट है तो प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस क्या होगा, आसानी से हो पाएगा. यदि हमने ऐसा प्लांट जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो काफ़ी मात्रा में नीड है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, C3 प्लांट्स को ही हम लेंगे कि C3 प्लांट्स के लिए
450 के अमाउंट में लगभग क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब मान लीजिए इस टाइप के प्लांट्स को हमने ऐसे एरियाज में जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, कमी है, वहाँ पर यदि हमने इसे लगा दिया तो क्या ये ग्रो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह के प्लांट्स को मान लीजिए जहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ऐसे एरियाज जहाँ पर इंडस्ट्रियल, तो क्या होगा, CO2 का परसेंटेज बहुत हाई होगा वहाँ पर, या कॉन्सेंट्रेशन जो आप CO2 का क्या होगा ऐसे एरियाज में हाई होता है। ग्रीन हाउस यहाँ पर भी क्या होगा, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। तो ऐसे एरियाज में एग्जाम्पल के लिए टमेटो वगैरह जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, स्पेशली ग्रीन हाउस उसमें टेक्निक से ही क्या किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक, वैसे इन्वायरमेंटल अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में कितना प्रेजेंट है, 1%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। ठीक, जिसमें से कितना चाहिए, 1%, या यू कह लें कि 0.05 to 1% जो है वो प्लांट के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। ठीक है, इतना कॉन्सेंट्रेशन फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ऐसे ही वाटर, वाटर तो स्वाभाविक है, प्लांट कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। यदि सॉइल में पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है तो फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत अच्छे से होगा। यदि पानी की मात्रा कम है, पानी का अमाउंट कम है, सूखी प्लेस है, ड्राई प्लेस है ना, तो ऐसी जगह पर क्या होगा, फिर जो स्टोमेटा है वो क्या होंगे, जल्दी बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट को उनको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कम होगी तभी क्या होगा, वाटर की वो बैलेंस प्लांट में जो बैलेंस बना रहेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, यदि पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी तो स्टोमेटा जल्दी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और यदि स्टोमेटा क्लोज हो गए तो एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, लिमिटेड होगा, कम होगा, और इस सिचुएशन में फोटोसिंथेसिस रेट क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन यदि वाटर की अवेलेबिलिटी वहाँ पर बहुत अच्छी है तो फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आपने फोटो रेस्पिरेशन आप मेरे लास्ट वीडियो में देखेंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक आई बटन दिख रहा होगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो मेरे लास्ट वीडियो आप इजीली देख पाएंगे। आप मेरा लास्ट वीडियो जो फोटो रेस्पिरेशन वाला देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, फोटो रेस्पिरेशन में वारबर्ग इफेक्ट आता है बेटा। वारबर्ग इफेक्ट क्या होता है कि एक प्लांट में रूबिस्को नामक एंजाइम होता है जो क्या करता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है या कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो ये रूबिस्को एंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके जो फूड प्रोडक्शन है वो इजीली करता है। लेकिन यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बढ़ जाता है उस सिचुएशन में ये C3 साइकिल C4 साइकिल रन ना करते हुए क्या करता है, एक नई साइकिल रन करता है जिसे C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, और उसे हम इजीली इफेक्ट में जो अगर देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वारबर्ग इफेक्ट। ये सिचुएशन बन जाती है जब O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, वो भी एक तरह से हमारे प्लांट के लिए क्या है, वेस्टिजियल प्रोसेस है, लॉस है ना एनर्जी का, जो कि लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुई उस एनर्जी का यहाँ क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इस तरह से O2 का कॉन्सेंट्रेशन भी फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है इंटरनल इफेक्ट। इंटरनल इफेक्ट में 3 पॉइंट्स मेन है। फर्स्ट है क्लोरोफिल कंटेंट। यदि प्लांट में क्लोरोफिल का कंटेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में है तो फोटोसिंथेटिक जो रेट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकंड वन है प्रोटोप्लाज्मिक। बेटा ये एक हाइपोथेटिकल पॉइंट्स है क्योंकि साइंटिस्ट भी नहीं जानते कि सेल का प्रोटोप्लाज्म में वो कौन से एंजाइम है या वो कौन से प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस है जिसके कारण से ये फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो प्रभावित होती है। बट उन्होंने ये जरूर प्रूफ किया है कि प्रोटोप्लाज्म में कुछ सब्सटेंस, कुछ एंजाइम या कुछ ऐसे सब्सटेंस जरूर होते हैं जो इस रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट
करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं, फोटोसिंथेसिस को कम या ज़्यादा करते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मिक उस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अभी डिटेल में कोई इन्वेंशन या डिस्कवर नहीं हुआ है, इसलिए इसे एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर्स भी कहा है। थर्ड वन इज स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स काफ़ी डिटेल या काफ़ी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स में बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टोमेटा। यदि लीफ का साइज बड़ा है, ब्रॉड है, तो नंबर ऑफ स्टोमेटा की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितने नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। यदि नंबर ऑफ स्टोमेटा कम है, लीफ का सरफेस बहुत ही छोटा है, एरिया कम है, तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सरफेस ऑफ लीव्स बता ही चुकी हूँ, बड़ा है स्टोमेटा की नंबर ऑफ स्टोमेटा बढ़ जाएंगे, अगर सरफेस ऑफ एरिया छोटा है तो नंबर ऑफ स्टोमेटा कम हो जाएंगे। एज ऑफ लीव्स, अब एज ऑफ लीव्स ये कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत ही इफेक्टिव है। यदि लीफ जो है वो यंग स्टेज में है ना, तब तो क्या होगा, क्लोरोफिल कंटेंट लार्ज अमाउंट में होगा और फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे जैसे लीव्स जो है वो उसकी एज ज़्यादा होती जाती है ना, लीफ जो है वो ओल्ड स्टेज में जाने लगती है, सूखने लगती है, तब क्लोरोफिल का अमाउंट भी कम होते जाएगा, नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होते जाएंगे, फोटोसिंथेटिक रेट भी जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम। ये भी मस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो इसे प्रभावित करता है, कि यदि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, यदि वो ज़्यादा समय तक खुले रहते हैं, कम समय तक क्लोज रहते हैं, तो स्वाभाविक है ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज का जो टाइमिंग है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और गैसेस एक्सचेंज का टाइम बढ़ गया मतलब कि रेट भी जो है क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यदि ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम कम है, गैसेस एक्सचेंज जो है वो या ट्रांसपिरेशन जो है वो रेट कम हो जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस रेट भी जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह से प्लांट में मेनली टू टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फर्स्ट एक्सटर्नल, सेकंड इंटरनल, ठीक है। मेन जो है वो पांच प्रकार के होते हैं, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन, जो हमने डिटेल में यहाँ पर पढ़ा। इंटरनल फैक्टर्स थ्री हैं, आप चाहें तो इसे नंबर वाइज कर करके, इसे पॉइंट वाइज करके आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का पूछा गया है। आंसर को इंक्रीज करना और शॉर्ट करना ये भी एक टेक्निक है बेटा, अकॉर्डिंग टू द नंबर, कि पेपर में वो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कितने नंबर का है, उसके अनुसार आप इसे डिटेल में या शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।